हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैशटैग ईबुक फॉर फ्री बुक। फ्रेंड्स, ये हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हमारे दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हमें हेल्पफुल होगा। ओके, हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताना है कि फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे फ्रेंड्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल्स में जान लेंगे। थोड़ा क्या है डिटेल इसका देख लेंगे, तो हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या कहीं भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, आप इजीली जवाब कर सकते हैं, उसका दे सकते हैं। ऑन अगस्त 15, 1947 इंडियाज़ फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 14 कैबिनेट मिनिस्टर। दिस कैबिनेट इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म हुआ, जिसमें कि 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। देखिए फ्रेंड्स, बार एक नज़र हम सारे मिनिस्टर्स की तस्वीर को देखेंगे और दोबारा उन्हें याद करेंगे, उनकी मिनिस्ट्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो थे हमारे फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस मिनिस्टर एंड साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हमारे होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे हमारे? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ये क्या थे? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। फोर्थ है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे हमारे? एजुकेशनल मिनिस्टर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर थे। और जॉन मथानी क्या थे? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। सिक्स्थ है सरदार बलदेव सिंह, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। सेवन्थ है जगजीवन राम, ये कौन थे? लेबर मिनिस्टर। सी एच भाभा कौन थे हमारे? कॉमर्स मिनिस्टर। एंड नाइन्थ है रफ़ी अहमद किदवी, ये थे हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर। 10th है राजकुमार अमृत कौर, ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी। बी आर अम्बेडकर ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। 12th आर के शनमुखम शेट्टी ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। एस पी मुखर्जी वॉज आवर फर्स्ट इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर। एन वी गडकी ये हमारे वर्क्स एंड माइंस एंड पावर्स मिनिस्टर थे। वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्टर कौन थे? एन वी गडकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, हमें ये देखना है और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन ए, द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इज 62 ईयर्स। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स ही होती है। बी, द टेन्योर ऑफ एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट इज 2 ईयर्स। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर जो होता है, जो एडिशनल जजेस है उनका 2 ईयर्स होता है। ऑप्शन सी, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस कैन बी पेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। ये रॉन्ग ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज नॉट राइट। ओके, डी है, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ओथ, जो अहद लेते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस किससे लेते हैं? गवर्नर ऑफ इंडिया से लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नहीं लेते। तो ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी ओनली। देखिए फ्रेंड्स, अ जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच इज़ नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट। हमें सब ऑप्शंस में से ये बताना है कि कंकरेंट लिस्ट में से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो सारी लिस्ट हम देख लेते हैं। इसमें है फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, ट्रेड यूनियंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इनलैंड वाटरवेज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इन सब में जो नहीं है वो है लाइब्रेरीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट देयर इन द कंकरेंट लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये लिस्ट को आप अच्छे से देख करके एक बार फिर रिवाइज करके अच्छा याद रखिए, क्योंकि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एमएम पुंछी कमीशन रिपोर्ट इन 2010 दैट वाज अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट ने 2007 में
M.M. पुंछी कमीशन नाम की एक कमीशन अपॉइंट की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की 2010 में। और उसने क्या रिपोर्ट पेश की, क्या ऑब्जर्वेशन दिया, उसने बताया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4। नंबर 56, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सस्पेंशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017 सेज दैट नो पर्सन शैल नोइंगली और वॉलेंटरली होल्ड ट्रांसफर और रिसीव एनी स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 के किस सेक्शन में ये लिखा गया है कि कोई पर्सन वॉन्टेडली और वॉलेंटरली नहीं रख सकते स्पेसिफाइड बैंक नोट। जैसे ये जो 500 और 1000 रुपीज़ जो बंद हुए थे, बैंड हुए थे, ये उसी के ताल्लुक से है। तो ये किस सेक्शन में था, ये सेक्शन 5 में था। द करेक्ट आंसर इज 1। 56 का करेक्ट आंसर है 1। सो वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 57। जनरली हायर द लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज इनकम वेल्थ एंड कंजम्पशन पॉवर्टी विल बी। अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे इनइक्वालिटीज आ रही है इनकम में, वेल्थ एंड कंजम्पशन में, तो पॉवर्टी का क्या होगा? पॉवर्टी डेफिनेटली हायर होगी। देखिए फ्रेंड्स, एक ही इंसान है, यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें एक इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं और कई सारे लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा, गरीबी बिल्कुल बढ़ेगी। सो पॉवर्टी वुड बी हायर। द करेक्ट आंसर इज 2। 57 का करेक्ट आंसर है नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58, विथ रिलेशन टू द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसेज फॉर पुअर ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट गुड एंड सर्विसेज टैक्स GST। ये हमें बताना है कि जो हाउसेस एंड ड्रिंकिंग वाटर पुअर लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उस पर GST लगाया जाएगा तो क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज नंबर 2, इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा स्टेट पर। सो द करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेवेंट विद द रिलेशंस टू द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, रीजन नहीं है, जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब वो हो गया है नीति आयोग। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, विच इज़ प्लानिंग कमीशन हैड नो wherewithal टू मीट WHO चैलेंजेस। कुछ डिटेल्स हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और ये कब फॉर्म हुआ, ये हुआ फॉर्म 1 January 2015 को। ये डेट और ये फुल फॉर्म भी हम अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। एक आदमी की एक कंट्री के एक साल में जो इनकम हुई है उसको मालूम करने को क्या कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज 4, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ एरिया डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। सो इस तरह से पर कैपिटा इनकम मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, रिलीजन ऑफ सातवाहनास वॉज। सातवाहनास का रिलीजन क्या था, जो सातवाहना एम्पायर है उसका रिलीजन था हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। इसका कैपिटल था प्रतिष्ठाना अमरावती, इसका कैपिटल था। और कॉमन लैंग्वेजेस थे प्रकृत एंड संस्कृत, और रिलीजन हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। सो ये दूसरे क्वेश्चंस, दूसरे एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसलिए ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट रूल विजयनगर किंगडम। ये दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी डायनेस्टी ने विजयनगर किंगडम पर रूल नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, 4 डायनेस्टीज ने विजयनगर पर हुकूमत की थी। वो हैं संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अरिवेदू। किस डायनेस्टी ने नहीं किया, चोला डायनेस्टी ने। द ऑप्शन इज 3। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और विजयनगर का जो कैपिटल था हम्पी, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, इन द मीटिंग हेल्ड एट खानपुर
द जैन संघ हाईलाइट्स द मोमेंट्स ऑफ तेलंगाना एंड कॉल्ड फॉर इमीडिएट बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन विच ईयर दिस मीटिंग वॉज हेल्ड। ये एक मीटिंग हेल्ड हुई थी कानपुर में, जिसमें जैन संघ ने ये हाईलाइट किया था कि तेलंगाना को तकसीम कर देना चाहिए। सो ये किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1973 में। द करेक्ट ऑप्शन इज 3। 63 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 64। राज्यसभा पास द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2014 ऑन। ये बिल कब पास हुआ था? ये बिल हुआ था February 20, 2014 को। इसके बारे में डिटेल्स देखिए फ्रेंड्स। द 2014 बिल वॉज पास्ड इन द लोकसभा ऑन 18 February 2014। लोकसभा में कब बिल पास हुआ था? 18 February 2014 को लोकसभा में बिल पास हुआ था और 20 February 2014 को राज्यसभा में बिल पास हुआ था। ये दोनों डेट्स डिफरेंट है, इसे कंपलसरी याद रखना है। द बिल वॉज अटेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ऑन 1 March 2014 एंड पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेटेड ऑन 2 March 2014। वेयर एज 2 June 2014 इज द अपॉइंटेड डे अकॉर्डिंग टू द एक्ट। 2 June 2014 को क्या हुआ फ्रेंड्स? हमारे स्टेट तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 65। नेम ऑफ द ऑफिशियल पेपर्स ऑफ तेलंगाना जनसभा वॉज। तेलंगाना जनसभा के ऑफिशियल पेपर्स का नाम क्या था? ये था जना तेलंगाना। द करेक्ट आंसर इज जना तेलंगाना। ओके। क्वेश्चन नंबर 66। दशरथी कृष्णमाचार्य रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द वर्क। दशरथी कृष्णमाचार्य को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला? द करेक्ट ऑप्शन इज तिमिराम टू समाराम। इसका मतलब होता है फाइट अगेंस्ट डार्कनेस। ये बुक ये लिखी थी इन्होंने 1974 में। ही वॉज ऑल्सो चूजन एज आस्थाना कवि ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये है दशरथी कृष्णमाचार्य। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। हु इज़ अ वेल नोन पर्सन इन ओगू कथा। ये ओगू कथा में बहुत ही फेमस पर्सन कौन है? वो है मिडिल रामलु। ये देखिए, ये थे मिडिल रामलु। क्वेश्चन नंबर 68। गूमी इज़ अ पॉपुलर टर्म इन तेलंगाना एसोसिएशन विद। गूमी एक बहुत पॉपुलर टर्म है तेलंगाना एसोसिएशन में। गूमी का मतलब क्या होता है? स्टोरिंग फूड एग्रीकल्चरल ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स। गूमी का मतलब होता है फूड्स को कहीं स्टोर करना, जैसे एग्रीकल्चर फूड्स और ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, प्रोडक्ट्स को स्टोर करने को कहते हैं गूमिंग। करेक्ट आंसर इज नंबर 2। 68 का करेक्ट आंसर है नंबर 2। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ पिक्चर्स इस तरह से फूड्स को स्टोर करते हैं ना, इसे कहते हैं गूमिंग। क्वेश्चन नंबर 69। भकीला इन द फॉर्मर हैदराबाद स्टेट हैपन टू बी अ। ये भकीला किसको कहते हैं फ्रेंड्स? ये कहते हैं बॉन्डेड लेबर को। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है कि एक ज़माने में कुछ पैसे खर्चा लिए होंगे तो उसके इंटरेस्ट फेंटने के चक्कर में उसे एक लेबर बना देते हैं। ना वो इंटरेस्ट फेंट पाता है, ना ही वो एक्चुअल पेमेंट भी कर पाता है। तो इसी तरह वो लेबर की जो है चलता ही रहता है, इसी तरह वो बॉन्डेड लेबर बन जाता है। बॉन्डेड लेबर ही आगे चलकर चाइल्ड लेबर में तब्दील हो गया, क्योंकि बॉन्डेड लेबर अगर फादर बॉन्डेड लेबर ही रहा और वो ख़त्म हो गया तो उसका कर्ज़ा वसूलने के लिए एक बच्चे को भी लेबर बना दिया जाता है, और वही आज के दौर की जो चाइल्ड लेबर की जो वजह बनी है वही है। क्वेश्चन नंबर 70। हु रोट द बुक भोदनु द्यामा तत्वमु। भोदनु द्यामा तत्वमु ये बुक किसने लिखी है? इस बुक को विद्री रामचंद्रा रेड्डी ने लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2, विदिरी रामचंद्रा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 71। एज पार्ट ऑफ द वेबिलुवियन सेंटर्स ऑफ ओरिजिन इंडिया इज रिकॉग्नाइज फॉर। वेबिलुवियन सेंटर्स के ओरिजिन के मुताबिक इंडिया किस लिए पहचाना जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज राइस मिलेट्स एंड लेग्यूम्स। द करेक्ट ऑप्शन इज राइस मिलेट्स एंड लेग्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 72। Which state or union territory has the highest density of population person per square kilometer next to national capital territory of Delhi?
नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के बाद कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? द करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। द करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 2001 सेंसस ऑफ इंडिया? 2001 का जो सेंसस हुआ है वो कौन से नंबर का सेंसस था? वो था 15th सेंसस ऑफ इंडिया। कौन से नंबर का था? 15th सेंसस ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, 2021 में हमारा 16th सेंसस ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक इन इंडिया ये सेंसस नहीं हो पाया। तो लास्ट सेंसस कब था? ओनली 2011 में। जो 15th था वही लास्ट वन था। क्वेश्चन नंबर 74। एग्जामाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल इन तेलंगाना जोन्स। तेलंगाना जोन्स में जो एवरेज रेनफॉल्स होती हैं वो उसके हिसाब से ये मैच करेक्ट है या नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, नॉर्थन तेलंगाना जोन। नॉर्थन तेलंगाना जोन में 900 mm टू 1150 mm, दिस वन इज़ करेक्ट। एंड ऑप्शन बी, सेंट्रल तेलंगाना जोन। सेंट्रल तेलंगाना जोन में 800 mm टू 1150 mm, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, साउथर्न तेलंगाना जोन। साउथर्न तेलंगाना जोन में 700 mm टू 1050 mm, ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन तेलंगाना इन 2016 टू 17 एज पर सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2018। सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2018 के मुताबिक हमें ये बताना है कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है तेलंगाना का 2016 और 17 का। ऑप्शन ए, करंट फैलो लैंड्स ये कितना है? 9.06, ए इज़ मैचिंग टू 2। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस ये कितना है? ये है 7.60%। ए का हो गया 2, बी का 3 एंड सी नेट एरिया सोन इट इज़ 42.59%। सो दिस इज द ऑप्शन वन इज करेक्ट। ए का 2, बी 3, सी 1। ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर। ये दिए गए पाई चार्ट में भी हम इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 76। जया भारत रेड्डी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू। जया भारत रेड्डी कमेटी किस लिए अपॉइंट की गई थी? रिक्रूटमेंट्स इन AP। ऑप्शन थ्री इज़ करेक्ट। दिस कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय नित रामा राव। द कमेटी इज हेडेड बाय जय भारत रेड्डी IAS। द 6th GO रिपोर्ट स्टेट्स दैट द नॉन नेटिव रेसिडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड इलीगल एम्प्लॉयमेंट्स इन तेलंगाना बाय 31st March 1986 शुड बी सेंड बैक टू देयर होम टाउन्स को सेंड कर दिया जाना चाहिए। जो लोग इलीगल हैं उन्हें सेंड बैक कर देना चाहिए और इसीलिए रिक्रूटमेंट इन AP फॉर्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 77। हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग तेलंगाना आइकिया वेदिका फॉर तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना आइकिया वेदिका को किसने स्टार्ट किया? द करेक्ट आंसर इज केशव राव जयदेव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। तेलंगाना जागरण सेना वॉज फॉर्म्ड अंडर द एजिस ऑफ द फॉलोइंग। तेलंगाना जागरण सेना को किसने फॉर्म किया था? इसे किया था तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS ने। कब किया था? 10th सितंबर 2005 में। इसका मकसद था अलग तेलंगाना, सेपरेट तेलंगाना ही इसका मकसद था। द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3। 78 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 79। टू लुक इन टू द डिमांड फॉर तेलंगाना प्रणब मुखर्जी कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 2004। प्रणब मुखर्जी कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? 2004 में। सेपरेट तेलंगाना के डिमांड के बारे में मालूमात हासिल करना ही प्रणब मुखर्जी कमेटी का मकसद था, जो किसकी जानिब से हुई थी? UPI गवर्नमेंट की जानिब से ये कमेटी कायम हुई थी। UPI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? UPI का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। द राइट आंसर इज 2। 79 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 80। द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ श्री कृष्णा कमेटी ऑन तेलंगाना इश्यू वॉज नोन एज डार्क चैप्टर बिकॉज इट वॉज नॉट मेड अपॉन द पब्लिक। ये डार्क चैप्टर क्यों कहलाया गया फ्रेंड्स? ये कौन सा चैप्टर था? ये 8th चैप्टर था जिसे डार्क चैप्टर
कहा गया, क्योंकि ये सब लोग पब्लिक के सामने ओपन नहीं किया गया था, ये सीक्रेटली किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज 3। 80 का करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 81, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, द तेलंगाना स्टेट आईसीटी पॉलिसी 2016 वाज लॉन्च इन हैदराबाद ऑन 2 जून 2006। देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है हैदराबाद में ही हुआ था, आईसीटी पॉलिसी 2016 में ही लॉन्च हुई थी, लेकिन क्या हुआ था 2 जून 2016 को नहीं, बल्कि ये अप्रैल में हुआ था, बल्कि 4 अप्रैल 2016 को हुआ था। ऑप्शन बी, इट वाज लॉन्च एट हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। द पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये ऑप्शन भी सही है, तो हमारा बी और सी का ऑप्शन सही है। द 81 का आंसर है 2। एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 82, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ए, तेलंगाना एकेडमी ऑफ स्किल एंड नॉलेज वॉज सेट अप बाई गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। इसका शॉर्ट फॉर्म है टास्क। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ज़रिए स्टार्ट किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, टास्क फंक्शंस एज अ नोबल एजेंसी फॉर ऑल आईटी रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन तेलंगाना। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आईटी से रिलेटेड नहीं है, ये अदर सब्जेक्ट्स भी इसमें एडेड है। सो इट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी, इट ऑल्सो ट्रेन्स द ट्रेनर्स बाई फैसिलिटेटिंग फैकल्टी स्किल अपग्रेडिंग अक्रॉस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन तेलंगाना। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ये जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत। तो हमारे दो ऑप्शन सही हैं, ए एंड सी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये कहाँ है, ऑप्शन 3 में। 82 का आंसर है 3। करेक्ट आंसर क्या है 82 का, ए एंड सी ओनली। सो फ्रेंड्स, वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 83। स्टेटमेंट ए, द तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम टू डिस्ट्रीब्यूट शीप ऑन सब्सिडी टू द शीप रेयरिंग फैमिलीज इन द स्टेट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट ने शीप्स डिस्ट्रीब्यूट की है शीप रेयरिंग फैमिलीज को। इन फैमिलीज में नाम है कुरुमास एंड यादवास इन तेलंगाना। ख़ास तौर से ये शिफर्ड कम्यूनिटी को ये शिप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और इस पर सब्सिडी दी गई थी। ऑप्शन बी है, दिस स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड इन सदाशिवनगर विलेज ऑफ कमारेडी डिस्ट्रिक्ट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ये स्कीम कहाँ लॉन्च हुई, ये बात तो इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन सी, अ सेपरेट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 2014 फॉर मेडिकल एड फॉर शीप वॉज क्रिएटेड। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए जो एक नंबर दिया गया था टोल फ्री नंबर, वो 2014 नहीं है बल्कि 1962 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ओनली ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। सो 83 का ऑप्शन है 4, ए ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, द तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम एम्ड एट वेल बीइंग ऑफ मदर एंड चाइल्ड reducing the infant mortality rate IMR and promoting institutional deliveries, it is called as। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, का नाम है KCR किट। द करेक्ट ऑप्शन इज KCR किट। इसमें जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, वो सारी अवेलेबल होती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, examine the following statements about कैटल स्कीम ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट की कैटल स्कीम क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़, ए, इन सितंबर 2017 द तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडीज कैटल स्कीम फॉर डायरी फार्म्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या है, सब्सिडी स्कीम स्टार्ट की है डायरी फार्म्स के लिए, कब, 2017 में। ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो ईच टू अराउंड 2 लाख डायरी फार्मर्स एट अ सब्सिडीज रेट ऑफ 50% वुड बी डन। 50% सब्सिडी दी जाएगी ये बफेलो के जो फार्मर्स हैं ना, डायरी फार्मर्स हैं उनको, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट सी।
इन द केस ऑफ एससी एसटी डेयरी फार्मर्स 90% सब्सिडी वुड बी प्रोवाइडेड। ये कहीं पे भी स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि एससी एसटी के लिए 90% है, सबके लिए 50% सब्सिडी ही बताई गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी ओनली। 85 का करेक्ट आंसर है 2, ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 86, अमंग द फॉलोइंग हु इज एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएट करते हैं फ्रेंड्स? आंसर 1, सुंदरलाल बहुगना। 86 का करेक्ट आंसर है सुंदरलाल बहुगना। ये चिपको मूवमेंट क्या था फ्रेंड्स? ये था जो ट्रीज को सेव करने के लिए जो एक मूवमेंट चलाया गया था, उसका नाम था चिपको मूवमेंट। तो इसके फादर कौन है? फादर ऑफ दिस मूवमेंट इज सुंदरलाल बहुगना। आप देखिए फ्रेंड्स, ये है सुंदरलाल बहुगना और ये मूवमेंट 1981 में स्टार्ट हुआ था, जो 1981 से 1983 तक जारी रहा। क्वेश्चन नंबर 87, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम्स। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम क्या है फ्रेंड्स? द करेक्ट आंसर इज इरीगेशन। नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 87 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 88, इफ द स्पीशीज आर अबंडेंट बट आर डिक्लाइनिंग इन टोटल नंबर, सच कैटेगरी इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, ये जानवरों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ख़तरनाक भी हैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके ख़त्म हो रही हैं। उसका करेक्ट आंसर है नंबर 2, थ्रेटेंड स्पीशीज। द करेक्ट आंसर इज़ नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, ये इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। द क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिलीज्ड बाय व्हीकल्स। इनमें से कौन से एलिमेंट है जो व्हीकल्स रिलीज करती हैं? वो है लीड। द करेक्ट आंसर इज नंबर 4, इट्स लीड। कौन से एलिमेंट्स है? नंबर 4, लीड। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द करेक्ट आंसर इज नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 91, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च मिशन भागीरथा इन तेलंगाना इन अगस्त 2016 एट द विलेज बाय नेम। मिशन भागीरथा को तेलंगाना में अगस्त 2016 में किस गांव में स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने? मिशन भागीरथा को किस गांव में लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर इज कोमटीबंडा। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैलाशवरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3, इट इज़ एन इंटर स्टेट प्रोजेक्ट। ये बात सही है कि ये रॉन्ग ऑप्शन है। जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं 1, 2 एंड 4, ये करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ये करेक्ट रीजन्स है। सो आप इसे भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड इरीगेशन वाटर बाई लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द रिवर गोदावरी। ये करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ये करेक्ट है, हमें गलत चूज़ करना था। इट इज़ प्रपोज टू इरीगेट अबाउट 45,000 एकर्स। ये भी करेक्ट है, इस इरीगेशन प्रोजेक्ट से 45 एकर्स को लैंड को इरीगेट किया जा सकता है। इट इज़ लोकेटेड नियर कन्नेपल्ली विलेज। ये कहाँ पर है? कन्नेपल्ली विलेज। ओके, वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 93, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इन तेलंगाना इज एलिज्ड टू बी यूज टू डायरेक्ट वाटर फ्रॉम इट्स रिवर बेसन। दिए गए ऑप्शंस में से किस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये डायरेक्ट रिवर बेसन से पानी यूज़ कर रहा है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, पोटी रेड्डी पड्डू प्रोजेक्ट। द करेक्ट आंसर इज नंबर 1, 93 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर कवर्ड अंडर जन सुरक्षा योजना। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, नो, एंड बी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यस इट इज़ करेक्ट, सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड डी अटल पेंशन योजना। तो तीन ऑप्शंस यहाँ सही हैं, बी सी डी। ये कोई किस ऑप्शन में है? नंबर 2। 94 का करेक्ट आंसर है 2। ओके, 95, मैच द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट विद देयर रेस्पेक्टिव
लॉन्चिंग डेट, कौन सी डेट पर कौन सी पॉलिसी लॉन्च हुई थी ये हमें बताना है फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट वन ए, शादी मुबारक प्रोग्राम, ये किस डेट पर लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 2nd अक्टूबर 2014 को। बी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शिप्स ऑन सब्सिडी, 20th जून 2017। सी आसरा फॉर सिंगल वुमेन, आसरा फॉर सिंगल वुमेन कब स्टार्ट हुआ? 1st अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ। एंड आरोग्य लक्ष्मी कब स्टार्ट हुआ फ्रेंड? ये हुआ था 1st जनवरी 2015। द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4, 95 का ऑप्शन है नंबर 4। 96, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब हराया? तो ये आंसर है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। द करेक्ट आंसर इज 96 का नंबर 4। ओके, वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 97, एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया एंड हिस्टोरिकल आउटलाइन। ये बुक है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया एंड हिस्टोरिकल आउटलाइन। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है डीडी कोसंबी ने। इस बुक को लिखना है डीडी कोसंबी ने। 97 का करेक्ट आंसर है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट वन है डॉक्टर सत्यपाल, इंडियन नेशनल आर्मी। सत्यपाल इंडियन नेशनल आर्मी के नहीं थे। द बी ऑप्शन इज शौकत अली खिलाफत मोमेंट के ही थे। सी कनिगंती हनुमंत राव पलनाट सत्याग्रह, ये करेक्ट है। डी सुभाष चंद्र बोस जलियनवाला बाग मैसेकर, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ओनली बी एंड सी इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। 98 का करेक्ट आंसर है नंबर 2, बी एंड सी ओनली। ओके, 98 का करेक्ट आंसर क्या है? नंबर 2, बी एंड सी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। 99, प्यूरिटी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन आंध्रा रीजन बाई, किसने स्टार्ट किया था प्योरिटी मूवमेंट? इसको स्टार्ट किया था रघुपति वेंकट रत्नम नायडू। द नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट। 99 का करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रघुपति वेंकट रत्नम नायडू। क्वेश्चन नंबर 100, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, इस्टेब्लिश किया था? वो है ऑप्शन नंबर 4, कॉर्नवालिस। द करेक्ट आंसर इज कॉर्नवालिस। और ये किस ईयर में हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 1905। ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसको कहते हैं इम्पीरियल पुलिस। पहले क्या कहते थे? इम्पीरियल पुलिस। और 1948 के बाद इसे इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिलेशन टू द ट्रॉपिकल स्ट्रोम एंड द नेम बाय विच दे आर कॉल्ड। ये बताना है फ्रेंड्स के ट्रॉपिकल स्ट्रोम कौन से हैं, किसके साथ मीन्स कौन सा पेयर करेक्ट है, ये हमें बताना है। और हम अब ये बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको बस इतना करना है कि इसे सुनते रहना है और याद करना है, और हम आगे के आंसर्स को कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।